1000 साल की गारंटी वाला दिव्य एवं भव्य श्री राम मंदिर। अभियांत्रिकी और वास्तुशिल्प का एक अनूठा संगम। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को अगले 1000 वर्षों तक किसी मरम्मत की आवश्यकता नहीं होगी। कहा जा रहा है कि रिक्टर पैमाने पर 6.5 तीव्रता का भूकंप भी मंदिर की नींव को हिला नहीं पाएगा। श्री राम मंदिर में खंभों की मोटाई बढ़ा दी गई है और दीवारों पर भारी पत्थर लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही एक मजबूत नींव बनाई गई है जिसमें भारी पत्थरों का खास इस्तेमाल हुआ है। मंदिर को नीचे से ऊपर तक इस तरह मजबूत किया गया है ताकि ये तेज झटकों को झेल सके और इसे कोई नुकसान ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। 50 फुट गहरे गड्ढे, 400 फुट लंबे और 300 फुट चौड़े को पहले खोदा गया और फिर छोटे पत्थरों सहित कॉम्पैक्ट सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री की परतों एवं फ्लाई एश से भर दिया गया। मंदिर निर्माण में कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर में कुल 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है जिनमें से प्रत्येक का वजन 2 टन है। इसके अलावा आधार के निर्माण के लिए मिर्जापुर से 4,00,000 घन फिट गुलाबी पत्थरों का उपयोग किया गया है। इसके साथ ही शिखर को तराशने के लिए राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से 1,00,000 घन फिट नक्काशीदार संगमरमर का उपयोग किया गया है। वर्तमान में मंदिर के निर्माण में 21,00,000 क्यूबिक फिट ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया जा रहा है। इस मंदिर में कुल 162 स्तंभ तैयार हैं और इन स्तंभों पर केरल और राजस्थान के कारीगरों द्वारा 4,500 से अधिक मूर्तियां बनाई जा रही हैं। मूर्तियां भक्तों को त्रेता युग की झलक दिखलाएंगी। राम मंदिर का ढांचा संगमरमर से बना है जबकि दरवाजे महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी से बने हैं। रामलला की मूर्ति मंदिर की पहली मंजिल पर स्थापित की जाएगी और गर्भगृह में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 15 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन की जा सकती है।